अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। मैं कल वीडियो नहीं डाली, थोड़ा मूड सही नहीं था इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं करी। आज है हफ्ता, आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कैसा दिखा बिल्कुल शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके बोलना वीडियो कैसा दिखा। चलिए फ्रेंड्स, अभी बाहर जा रहे हैं, आने के बाद बाहर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है। आज मैं जाने वाली थी बाहर लेकिन जा नहीं सके। हम लोग तैयार हुए जाने के वास्ते लेकिन अचानक बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई फ्रेंड्स, हम आपको जाने के मुश्किल रोकना पड़ा और हम लोग रुक गए। अब नहीं गए, घर पे छे, इसलिए मैं आज बना रही हूँ पसंदों का सालन। ये है मटन, मेरे घर के फैमिली के हिसाब से मैं इतना गोश्त मेरे को काफ़ी है, बस है। ये है पूरे मसाले, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर सब है। ये है हरा मसाला, ये है दही और ये है मसाले। फली खोपरा, मैं सिर्फ फली खोपरा लगाती हूँ फ्रेंड्स इसमें, और कुछ भी नहीं लगाती। और ये है प्याज, तली हुई प्याज है। ये अभी अभी मैं लाल करके रखी थोड़ी सी कच्ची पक्की, बस ऐसे है ना। अपने को अपन आप क्या करेंगे, ये फली खोपरा भी मैं भून के रख ली। अब मैं खोपरा, फली और ये प्याज मिला के पीस दूँगी और उसमें थोड़ा गरम मसाला भी डालूँगी। शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग और ये सब गरम मसाले भी डालूँगी फ्रेंड्स इसमें डाल के पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और सबसे पहले मैं तो गोश्त में मसाला मिलाऊँगी। ये हल्दी, ये मिर्ची, ये नमक, नमक में मोटा ली और ये हल्दी, धनिया पाउडर। अभी मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हो गया, गरम मसाला भरना है डब्बे में और ये सब मैं डाल दी इसमें। और अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, मिला लेके आधे घंटे के ऐसे इसको रख दूँगी जब तक अपने मसाले पिसे जाते और ये ऊपर का जो प्रोसेस है पूरा ख़त्म हो जाता, जब तक इसके मसाले भी गोश्त के मिल जाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब मैं इसको मिला लेती हूँ। पहले गोश्त को मैं पहले धो के रख डाली थी और गोश्त हड्डी वाला रहा तो खुद ज़बरदस्त दिखता फ्रेंड्स, और गोश्त के पीसेस ज़रा बड़े बड़े रहना थोड़े। ये मेरे स्टाइल में बनाती हूँ मैं ये पसंदीदा का सालन, और थोड़ा ही बना रही फ्रेंड्स। शाम का टाइम है और सुबह तक ये ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा हिसाब किताब में बना रही शाम के वास्ते। चलिए मसाला मिला दिया, इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब ये हरा मसाला भी काट के रखी, इसको धोना है भी नहीं, धोई नहीं, धोए बाद में बाद डालूँगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मसाले पीस के इसमें ये रेडी रख दी। अब ये दही भी जो है ना मैं इसमें डाल के एक फेरी फिरा लूँगी, फिर एक दोबारा, ताकि अपना दही पूरा मिक्स हो जाए इसमें, पूरा मतलब पीस हो जाए इसमें। थोड़ी भी कुछ भी ऐसा मोटा दही में जो रहता लुंडे या कुछ भी ऐसा घीटियाँ रहते सब सब पीसे जाना उसमें। उसमें मैं ये क्या करी, मसालों में दही डाल डाली। अब इसमें एक बार फिर ग्राइंड करूँगी आधा आधा करके, पूरा इतना भर के नहीं, पूरा भर के रहे तो पूरा मेरे ऊपर गिर जाता। इसको आधा आधा करके पीसूँगी, पीस के फिर मैं मसाले कुकर में गलाने के बाद इन लोगों को मिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ कमरे में, रूम में आई, आके देखिए बैठी हूँ यहाँ पर अपने बच्चों के पास। ये देखिए हमारे बच्चे टीवी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे के पूरे लेटे हुए हैं। ये देखिए दादी, सलाम करो बेटे। ये देखिए यहाँ पर चल रही दंगल मूवी, ये देखिए हाँ ये देख रहे। और हम आज हम लोग जाने वाले थे बाहर, पूरी प्लानिंग हो गई, यहाँ तक कि मैं बुरखा भी पहन ली थी, लेकिन पानी इतनी तेज़ पड़ा कि हम लोग को बारिश की वजह से रुकना पड़ा और प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा फ्रेंड्स। अब इसलिए मैं गई नहीं, इंशाल्लाह कल कैसा भी जाऊंगी बाहर। अब प्लान तो चौपट हो गया पूरा, इसलिए अब घर में बराती में सालन दुपिया क्या बोलते पसंदों का सालन और खाना पकड़ी। अभी बन रहा है, अभी चूल्हे पे है, अभी आप देखें भी मेरी रेसिपी वही पकाते मैं आई थी बच्चे को देखने के वास्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जाते हैं किचन में। हो गए मेरे चार सीटियाँ कुकर के, जाके देखेंगे क्या हाल है, गोश्त का गला या नहीं गला देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर भी मिलते हैं किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सीम लाल
लास्ट सीटी है, अब इसको मैं बंद कर दूंगी। चूल्हा धीमे पे रख के बनाई थी मैं इसको, दो सीटी पे फुल फ्लेम पे थे ही, फिर इसके अंदर लो फ्लेम पे बना के रख के दो सीटियाँ और लगा दी। चलिए अब ज़रा सीटी इसके हवा निकलने के बाद हम देखेंगे हमारा तेल गला है नहीं गला। अगर कभी आपको अर्जेंट है या कुकर की सीट की हवा जल्दी जल्दी निकालना है तो फिर सब इसको नहीं मालूम है तो बता लें, ऐसा थोड़ा सा पानी डालेंगे आप, ये देखिए ये थोड़ा सा अगर पानी डालेंगे तो फटाफट आपकी गैस निकल देंगी। ये देखिए मैं इसमें पानी डाली, आप देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये करने से क्या है अपना जो चीज़ गल रही थी वो भी अच्छे से गल जाएगी। जैसा कि मालूम है आपको सीटी की हवा फटाफट अपन निकालने की कोशिश करें तो जो चीज़ गली हुई थी उसको भाप लग जाती है और बहुत जल्दी गलती नहीं, इसलिए आप ये ट्रिक करिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा दिखेगा और हवा मतलब कुकर की सीटी विजिल भी जल्दी वो हो जाएंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी छिनकने से आपके कुकर की हवा जल्दी जल्दी निकल जाती, आपको जब अर्जेंट रहता जब ये ऐसे तो मेरे को खोलने नहीं हो रहा कुकर तो 2 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स मैं कुकर का ढक्कन खोल दी, इसमें थोड़ा सा और पानी था तो फिर मैं इसको चूल्हा सुलगा के ये देखिए मैं इसको फिर से थोड़ा पकने के वास्ते रख डाली। अब यही स्टेज पे बन गोश्त भी अच्छा माशाल्लाह गल गया अपना, अब ये स्टेज पे बन क्या करेंगे दही और मसाले जो अपन मिला के रखे थे वो सब डाल देंगे इसमें। देखिए मैं इसमें डाल डाली, आपको फ्लैश लाइट ऑन करके बता दूँ, ये सब डालने के बाद मैं क्या करी थी ये मसाले पीस के जो ग्राइंडर का जार था इसमें ये मसालों का पानी रख के छोड़ डाली थी, और मैं अब ये मसाले जो है कटोरे में निकाल के रखी थी ना दही पीसने के बाद में, इसको भी अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद हम लोग ये मसाले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये जो मसाले हैं मसालों का पानी है ये डाल देंगे इसमें। डालने के बाद अब इसको अच्छा भुनेंगे, बिल्कुल भी मसालों की कच्ची हो वैसे तो 2 सीटी लगाना पड़ता है इसका भी फ्रेंड्स, ये मसालों का और धनी का पानी होगी वो मरने के वास्ते। फिर बखा अपन ऐसे ऐसे मसाला पूरा मिला लेंगे गोश्त में दही मसाला, ये देखिए जैसा पूरा तेल गायब हो गया ना फ्रेंड दम पे वैसे ही तेल पूरा जितना पी रहा था उतना पूरा अपना वैसे जा जाता। ये देखिए चलिए मैं आपको कुकर की सीटी लगा के अब हाँ ये स्टेज पे अपन क्या करेंगे थोड़ा सा हरा मसाला और ये अपनी हरी मिर्ची जो मैं धो के रख दी थी ये डाल देंगे, और ये गरम मसाला मैं आपको बोली थी शाजीरा वो सब मैं क्या करी थोड़ा मिला के पीस डाली मसालों के साथ ही और थोड़ा बघार में ले ली, इसलिए मैं गरम मसाला आपको ज़्यादा दिखने में नहीं आया लेकिन फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता फ्रेंड्स इसका। आप ऐसा बना के देखिए ईजी बनता जल्दी बनता, और जब मेहमान आ जाते अचानक तो आप ये रेसिपी बना के देखिए जीरा राइस के साथ, ये ज़बरदस्त दिखती फ्रेंड्स एक बार ट्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड्स बारिश का हाल ये है, अचानक धूप तेज थी 3:30-4 बजे तक भी जब मैं जाने के वास्ते तैयार हुई, अलग अलग क्या मंजूर था कि इतना भयानक तरीके से पानी शुरू करे जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। तारीफ और अंदर चले तारीफ खुशी से कोशिश होना जितना हो सके उतना पानी में भीगने की, बस एक ढीला ले लेते एक बहाना ले लेके निकल जाते पानी में, और मैं इनकी निगरानी करी फौरी अंदर चले जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स पानी का हाल, बारिश का हाल जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाल है हैदराबाद में पानी का। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले और दही ज़बरदस्त तरीके से भुन गया, ये देखिए हम आपको इतना ही होना है। और ये अब जो बचा हुआ मसाला है धारा मसाला ये मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए फ्रेंड्स गोश्त भी ज़बरदस्त गल गया हरी मिर्ची भी गल गई, इसको दम पे 2 मिनट रखेंगे तीरा आने तक अपना।
तीरा आने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। नमक बहुत ज़्यादा कम दिखा रही है। कर दिए अब चूल्हा सिम पे लो फ्लेम और 10 मिनट इसको ऐसी दवा ढक्कन लगा के तब पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद में अपना सालन रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पसंदों का सालन बनके रेडी है, तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना गाढ़ा रखी अब रात के वास्ते इतना काफ़ी है, और तेल भी मैं इसमें थोड़ा कम डाली थी। कहीं को बोले तो रात का वक्त है, मसालों का सालन है, ऊपर से तेल ज़्यादा हो गया तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती। बोलिए मैं इसलिए थोड़ा तेल कम डाली, अभी रात की रात ही ख़त्म हो जाएगा सालन। इंशाल्लाह आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी दिखी आपको ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि मैं आपको मेरे चैनल आपको कैसा दिख रहा, और कमेंट में बताना कि फ्रेंड्स आपको और कौन से कंटेंट के वीडियोस चाहिए वो भी बताना। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में अगर कुछ भी गलती है तो प्लीज़ बताइए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और क्या बोलूँ, कल का ब्लॉग मैं बिल्कुल नहीं डाल सकी, कल के ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनी थी, मैं कल टाइप की वीडियो नहीं बनाई फ्रेंड्स ने, आज बनी। और अब ये कैसा दिखा कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, कुछ भी गलती हुई तो बराबर बोलिए, मैं इंशाल्लाह सही करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।